आवश्यकता को पूरी होती थी। और इन परिस्थितियों में बहुत आपसे संवाद करने के बाद और व्यापक परामर्श करने के बाद अब हम लोग इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि जो बोर्ड की परीक्षा है हमारी, वो बोर्ड की परीक्षा जो 10वीं और 12वीं की जो बोर्ड की परीक्षा है, वो बोर्ड की परीक्षा 4 मई से प्रारंभ हो जाएगी। और मुबारक हो यार, तो आप लोग के एग्जाम आखिर एक्सटेंड हो ही गए, तो काफी देर से हम लोग इसके लिए वेट कर रहे थे। और थोड़ी देर पहले हम लोग भी लाइव आए थे मिनिस्टर सर के साथ, और इससे पहले हम लोगों ने मतलब कि थोड़ा बहुत गेस कर रहे थे कि क्या एग्जाम आगे होंगे, तो काफी लोग का कहना था कि आगे हो जाए। तो यार भाई, न्यू ईयर की खुशखबरी दे दी है हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने हमको, और लेकिन काफी सारी प्रॉब्लम्स ये आ गई कि हमको समझ नहीं आ पाया कि बाकी चीजों का क्या, या कई लोग को ना खुशी के मारे यही नहीं समझ पे आया कि और क्या क्या बताया गया है। तो सीबीएसई ने अपने तरफ से एक पूरा का पूरा आप लोग को एक फॉर्म बताए हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे आप लोग को साइड में दिख रहा होगा, जिसमें आप लोग को पूरे के पूरे डाउट्स पता चल जाएंगे कि एग्जाम कब होने वाला है, साथ में प्रैक्टिकल कब होंगे, क्लास 10th के लिए ही है क्या, सिर्फ क्लास 12th के लिए ही है क्या, या किसके लिए है, या फिर आप लोग का जो टाइम टेबल है ये कब आने वाला है, तो इन सब की खबर आप लोग को मैं अब देने वाला हूँ। तो ये पूरा का पूरा जो मैं आप लोग को फॉर्मेट दिखा रहा हूँ, ये सीबीएसई ने पूरा का पूरा प्रोवाइड करी है, जैसे आप लोग को इस तरह दिख रहा होगा। साथ में जैसे आप लोग देख सकते हो कि कोविड के वजह से कुछ ऐसी सिचुएशंस आई कि सीबीएसई को एग्जाम को आगे करना पड़ रहा है, और काफी सारे फीडबैक्स वगैरह उन लोग को मिले स्टूडेंट्स की तरफ से, तो उसके अकॉर्डिंग इन लोगों ने ये डिसीजन लिए है। तो आप लोग को यहाँ पे 5 पॉइंट्स पूरी तरीके से आप लोग को बताए गए हैं, ये 5 पॉइंट्स को आप लोग को समझाता हूँ। पहले पॉइंट में आप लोग को सिंपली बताया गया है कि एग्जाम कब होने वाले हैं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो, बोर्ड्स एग्जामिनेशन फॉर क्लास 10th एंड 12th विल कमेंस फ्रॉम 4th मई 2021 ट्यूसडे। तो आप लोग को यहाँ पर अच्छे तरीके से बताया गया है कि क्लास 10th एज वेल एज 12th के लिए, दोनों के लिए जो एग्जाम होने वाले हैं, ये होने वाले 4th मई को। तो इसके लिए आप लोग अब रेडी रहिए, एग्जाम आगे हो चुके हैं। अगले पॉइंट में ये लिखा हुआ है कि जो प्रैक्टिकल है, प्रोजेक्ट है, इंटरनल्स है, असाइनमेंट्स है क्लास 12th के, ये सभी कब से होंगे, क्योंकि काफी लोग को इसके बारे में नहीं समझ में आ पा रहा था। तो ये होने वाले हैं 1st मार्च 2021 मंडे से, तो ये आप लोग के उस टाइम से होने वाले हैं, और आप लोग के स्कूल पे भी आप लोग को इसका अपडेट मिल जाएगा। तो यहाँ पे सीबीएसई ने बता दिया है कि भैया 12th के लिए 1st मार्च से स्टार्ट होने वाले। इसी तरीके से क्लास 10th का क्या सर, तो क्लास 10th का जो है वो भी 1st मार्च से ही स्टार्ट होगा। एग्जाम भी क्लास 10th एंड 12th दोनों के 4th मई से स्टार्ट होने वाला है, एंड क्लास 12th एंड 10th दोनों के प्रैक्टिकल्स जो है वो 1st मार्च 2021 मंडे से स्टार्ट होने वाला है। तो इसके लिए सभी लोग को बहुत बहुत मुबारकबाद। काफी देर से बच्चा पार्टी सभी के सभी बहुत परेशान थे, बहुत दिनों से परेशान थे। आज मैंने बोला था ना इससे पहले वाले वीडियो में, अगर वो मतलब कि अगर गलत हो गया तो एजुकेशन मिनिस्टर तो भाई बहुत बुरी तरीके से क्रिटिसाइज करने वाले बच्चे लोग, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वाह वाह, हो गया। तो सभी लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा खुश होंगे, और साथ में काफी लोग का ये प्रॉब्लम है कि यार भाई ये बताओ कि टाइम टेबल का क्या है, डेट शीट का क्या। तो उसमें लिखा हुआ है डेट शीट फॉर क्लास 12th एंड 10th इशू हो जाएंगे जल्दी, एज सून एज पॉसिबल आप लोग को प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वेबसाइट में आप लोग को अपडेट मिल जाएगा, वरना अपना चैनल तो है, आप लोग को मैं अपडेट दे दूंगा। ये सभी इन्फॉर्मेशन आप लोग को जल्दी, जो भी अपकमिंग इन्फॉर्मेशन है, जैसे आप लोग का टाइम टेबल वगैरह, ये सभी सीबीएसई की वेबसाइट में प्रोवाइड कर दी जाएगी। और ये सभी चीजें आप लोग की एकदम करेक्ट है, प्लीज सुन लीजिए। यहाँ पे आप कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन की भी साइन देख सकते हो, ये बीएससी की तरफ से आप लोग को अलॉट किया गया है। डेट भी आप लोग देख सकते हो, 31st 12th 2020, आज आखिरी दिन साल का, और आप लोग को खुशखबरी मिल गई। साथ में आप लोग जैसे देख सकते हो, ये नोटिफिकेशन हिंदी में भी आया है, तो हिंदी में आप लोग पूरा देख सकते हो, 31st का है ये आप लोग का पूरा नोटिस, ये आप लोग को यहाँ पे दिख गया होगा। तो आई होप आप लोग को बहुत अच्छा लग रहा होगा, खुशखबरी भाई आप लोग के लिए, और क्या होना मेरे ख्याल से इससे ज्यादा आप लोग क्या खुश होंगे। तो मेरे ख्याल से ये था आप लोग के लिए एक छोटा सा अपडेट, आई होप आप लोग को अच्छा लगा हो। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियोस आप लोग के लिए लाता रहता हूँ।
देखो यार, हमारे चैनल पे सिर्फ अपडेट वाली बातें नहीं आती है, इसके अलावा कंटेंट भी आता है। तो हमारा चैनल कंटेंट बेस है, कंटेंट को देखिए, प्यार दिखाए, सपोर्ट दिखाए यार, अपने चैनल को इसी तरीके से आगे बढ़ाए। आप हो तो मैं हूँ, वरना मैं कुछ नहीं, क्योंकि मैं एक इंडिविजुअल चैनल हूँ, मैं कोई एक कंपनी नहीं हूँ। तो जो भी है आप लोग की वजह से चल रहा है, तो प्लीज सपोर्ट दिखाए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को आप लोग शेयर करा करें अपने फ्रेंड्स तक के, जिससे कि यार आप लोग अपने चैनल जकी कुरैशी को सपोर्ट कर सके। तो चलिए मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय। ऐसा था सेक्स रहो मेरे स्टूडेंट्स, मेरी जान, गुड बाय।